मेरे विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम वैदिक गणित के 12 सूत्रों का बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बात करेंगे। सूत्र का नाम और सूत्र का अर्थ जानने से पहले हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, इससे इस सूत्र की इम्पोर्टेंस का हमें पता चलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके पास इस तरह से कोई इक्वेशन गिवन है, कोई समीकरण गिवन है, 1 / x² + 5x + 6 + 1 / x² + 6x + 8 = 1 / x² + 7x + 10 + 1 / x² + 7x + 12, और आपको कहा जाए कि इसको सोल्व करें, इसको हल करें, यानी कि इसमें x की वैल्यू निकालें, तो ये आपके लिए काफी एक लंबा प्रोसेस होगा, काफी टाइम इसको सोल्व करने में लगेगा। तो ये एक विशेष प्रकार की इक्वेशन है जिसको आप वैदिक गणित के एक सूत्र से बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सूत्र के बारे में। सूत्र है हमारा, ये हमारा 13वां सूत्र है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। सोपानंत्य द्रव्यम अंतम। यहां पे अगर इसके अर्थ की बात करें, इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, तो यह है अंतिम और उप अंतिम का दो गुना। यहां पे जो ये द्रव्यम है वो दो गुना के लिए, तो सोपानंत्य यानी के सेकंड लास्ट, उसका द्रव्यम दो गुना और अंतिम। यहां पे उप अंतिम, उप अंतिम का मतलब सेकंड लास्ट, अंतिम मतलब लास्ट, तो अंतिम और उप अंतिम का दुगुना, अंतिम और उप अंतिम का दुगुना। दुगुना किसका है? उप अंतिम का। अंतिम लेना है और उसके साथ में कौन लेना है? उप अंतिम का दोगुना लेना है। तो यहां पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में अगर बात करें तो अल्टीमेट, अल्टीमेट मीन्स लास्ट, एंड ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, ट्वाइस द पेनल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट, अल्टीमेट एंड ट्वाइस द पेनल्टीमेट, तो लास्ट और सेकंड लास्ट का डबल। तो ये हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। अब इसके उपयोग, उपयोग की बात करें अगर हम, तो इसमें बताया गया है कि इसका जो उपयोग है उस समीकरण के चर का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है जो इस प्रकार का हो, यानी कि इसके यूज की अगर बात करें, उस इक्वेशन के में वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है जो इस टाइप की इक्वेशन हो। यहां पे क्या कहा गया है कि 1 / AB, एबी मतलब ए और बी की मल्टीप्लाई, 1 / AB + 1 / AC = 1 / AD + 1 / BC। देखो हमारे पास फोर है, ए बी सी और डी। फर्स्ट वाले में ए बी, फिर सेकंड वाले में ए सी, फिर थर्ड वाले में ए डी, ए बी ए सी ए डी, फिर बी से शुरू हो गया बी सी। तो ये इस तरह से आया। तो ऐसा समीकरण हो, ऐसी इक्वेशन हो, और जहां पे जो ए बी सी डी है वो कैसे हो, एपी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम ये सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। क्या? अंतिम, अंतिम हमारा कौन है एबीसीडी में? डी अंतिम है, और यानी कि प्लस कर देंगे। उप अंतिम कौन है? सी, इसका डबल, 2C = 0। तो ये हो गया हमारे पास अंतिम और उप अंतिम का डबल। तो ये हम क्या अप्लाई कर देंगे, ये हम शब्द सूत्र यहां पे अप्लाई कर देंगे। अब आप देखो इसको हल, अगर आप इसका देखें तो बहुत जल्दी हो जाएगा। यहां पे अगर हम इसको फैक्टर के रूप में लिखें, x² + 5x + 6, तो ये हो जाएगा x + 3 और x + 2, यानी कि हम लिख लेते हैं x + 2 और x + 3 प्लस
देखो सम 5 हो और प्रोडक्ट 6 हो तो 3 और 2 5, 2 और 3 5 और 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। सम 6 हो और प्रोडक्ट 8 हो तो 2 और 4 ले लेते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 4, यहां से हमारे पास सम 7 हो और प्रोडक्ट 10 हो तो 2 और 5 लेते हैं तो x प्लस 2 और x प्लस 5 तो ये भी हो जाएगा हमारे पास प्लस, यहां पे सम 7 हो और जो प्रोडक्ट है एक बार चेक कर लेते हैं इसको यहां से, ठीक है सम 7 हो और जो प्रोडक्ट है वो 12 हो तो 3 और 4 x प्लस 3 और ये x प्लस 4। अब आप देखें हमारे पास क्या क्या आया, एक तो x प्लस 2, एक x प्लस 3, एक x प्लस 4 और एक x प्लस 5। तो x प्लस 2 को हम a ले लेते हैं, x प्लस 3 को b ले लेते हैं, x प्लस 4 को c ले लेते हैं और x प्लस 5 को d लेते हैं। देखो ये एपी में हो गए पहली तो बात, तो ये बात तो होगी कि ये एपी में है। अब ये वाली कंडीशन भी देखो, ए बी, ए बी ठीक है, ये हमारा ए था ये बी है, फिर आगे होना चाहिए ए सी, ए और सी यानी कि एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 4 ये भी है हमारे पास, फिर होना चाहिए ए डी यानी कि एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 5 ये भी है हमारे पास, फिर होना चाहिए बी सी यानी कि एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4 ये भी है हमारे। तो हम सोपानांतर द्रव्यमंतम सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अंतिम, अंतिम है हमारा x प्लस 5, सो x प्लस 5 प्लस डबल, किसका डबल, c का। हम ये सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, पहले सूत्र लिख दो बेसिक, इसलिए d प्लस 2c इज इक्वल टू 0, मीन्स d है हमारे पास x प्लस 5 प्लस 2 इंटू सी है हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 यानी कि x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 13, 5 और 8 13 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 13, 3x इज इक्वल टू माइनस 13, x इज इक्वल टू माइनस 13 डिवाइड बाय 3, माइनस 13 डिवाइड बाय 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप देखो कि कितनी पहले हमें एलसीएम लेना पड़ता, फिर हमें एलसीएम को सोल्व करना पड़ता था, इधर भी एलसीएम लेना पड़ता, फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारे को एक साइड में कन्वर्ट करके उसके बाद इसको सोल्व करना पड़ता, तो वो सारा ही काम यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये एपी में है टर्म्स और ऐसी कंडीशन है तो हम अंतिम और उप अंतिम का दो गुना लेकर उस समस्या को हल कर सकते हैं, उसमें जो वेरिएबल है जो चर है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू वेरी मच।